हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th स्प्रिंट बैच के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज एजेंडा रहने वाला है, आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, उसमें पहला टॉपिक हमारा होगा कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो रैशनल नंबर्स होंगे हमारे, उनको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उनका, मतलब उनको डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के डेसिमल्स निकल के आते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 2 देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2-3 छोटी छोटी बातें हैं उनको देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो यूज होने वाली है आगे कहीं ना कहीं। तो हमारा पहला टॉपिक ये है भाई, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसको कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, रैशनल नंबर पॉजिटिव कब होगा उसको ध्यान से समझना। जैसे हमने एक P/Q एक रैशनल नंबर लिखा, इसके पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या है कि अगर पी भी पॉजिटिव हो और क्यू भी पॉजिटिव हो, एक तो ये केस हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि पी भी नेगेटिव हो और क्यू भी नेगेटिव हो, ये दोनों केसेज क्या होंगे हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर के केसेज होंगे। तो हम बोल सकते हैं तो पी और क्यू बोथ हैव सेम साइन, अगर दोनों के साइन सेम है, यानी कि दोनों प्लस प्लस के हो या दोनों माइनस माइनस के हो, तो जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, 7/5 ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, -11/-13 ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि माइनस से माइनस हम काट सकते हैं। काटने का मतलब है कि उसको हम लोग इसको -1 मान सकते हैं, इसको भी -1 मान सकते हैं, मल्टीप्लाई में -1 से -1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी वो हट जाएगा ऐसे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है। इसके बाद में नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, तो इसको कैसे समझे, जैसे P/Q एक रैशनल नंबर है, इसको नेगेटिव कैसे होगा ये, कि या तो न्यूमरेटर यानी P नेगेटिव हो जाए, Q पॉजिटिव रहे, या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव रहे और डिनोमिनेटर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, हमारा जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे -7/5 या फिर 5/-3, तो ये दोनों के दोनों जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन क्या है, पी और क्यू, ये बोथ हैव डिफरेंट साइन, दोनों के साइन अलग अलग हो तो जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारा रैशनल नंबर का रिजल्ट होता है ना, उस रिजल्ट को हमें हमेशा हमें क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी या फिर एक नाम और बोल सकते हो, लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, तो उसमें लिखना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये लोएस्ट फॉर्म है क्या, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे 12/16, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल मैं फिर आगे बताऊंगा। अभी क्या है, इन दोनों में किसी ना किसी नंबर का डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 12 की बात करें तो 12 में 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 16 में भी क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको आगे और सोल्व करके लिखा जा सकता है। तो हम करते हैं, देखो, तो इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया। अब मैं दोनों को 4 से डिवाइड क्यों कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी, जिसमें हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट सीखा था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर दोनों को सेम नंबर से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो जो नया रैशनल नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, इसी रैशनल नंबर यानी 12/16 के इक्विवेलेंट ही होगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब हमारे पास ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिस नंबर से एक को छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक से तो हम क्या कर सकते हैं, सभी को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक के अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी आंसर को हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब इस वाले केस में क्या होगा, जो पी और क्यू है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, इनके बीच में नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ध्यान रखना अदर देन 0, अदर देन 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनका। तो
और उस वाले केस में, और एक चीज और ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर इसका कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब किसी भी रैशनल नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा, एक तो हमेशा कॉमन फैक्टर होगा ही होगा, इसके बाद में उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों केसेस हो जाते हैं तो इस फॉर्म को हम क्या बोल देंगे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो यही चीज मैंने ऊपर लिखी है। तो देखो क्या लिखा है कि रैशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। देखो यहां लिख दिया मैंने बात कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, साथ में ही क्या है, डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, डिनोमिनेटर एक पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए। अब एक एग्जांपल ऐसा भी देख लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसको हम क्या करेंगे फिर पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 24 डिवाइड बाई माइनस 36। तो एक तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अभी नेगेटिव है, एक तो इसको पॉजिटिव बनाना है, दूसरी चीज है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको हमारे को खत्म करना है, केवल कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए एक के अलावा। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालने का क्या तरीका है, देखो ये जो 24 है 36 है, इन दोनों का HCF लो, तो इन दोनों का जब HCF लोगे तो वो कितना आएगा, 12। तो अब हमें क्या करना है, इसको भी 12 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 12 से डिवाइड कर देना है। तो ऊपर आ गया 2 टाइम्स डिवाइड होगा, नीचे आ गया माइनस 3 टाइम, 12 3 36। लेकिन अभी भी हमारा पूरा सोल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को भी क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 से ही क्यों किया, क्योंकि देखो 3 1 3 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर तो हो गया माइनस का 2 क्योंकि 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस, और नीचे कितना हो जाएगा 3। तो अब ये जो हमारा आंसर आया है इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है एक के अलावा, तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारा फाइनल आंसर है ये क्या है, एक सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड या फिर लोएस्ट फॉर्म है। आई होप ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी हम ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, उसमें इसका यूज होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि जैसे ए बाई बी टाइप का कोई एक फ्रैक्शन, मान लो कि फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इस फ्रैक्शन में क्या है, हमने ये मान के चला कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव लिए हैं, अभी नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, एक कंडीशन को समझ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट एक से कम कब आएगा, एक से बड़ा कब आएगा, एक के बराबर कब आएगा, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो एक के बराबर कब आता है रिजल्ट, अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब है इसमें पूरा पूरा वन टाइम डिवाइड हो गया तो फाइनल रिजल्ट कितना आया, एक आएगा। एक से बड़ा कब आता है, जब न्यूमेरेटर, यहां पे मैं बोल सकता हूं इसको समझाने के लिए, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए, अगर न्यूमेरेटर की वैल्यू बड़ी हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर एक से बड़ा आएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो जैसे यहां लिखा 5/2, अब यहां पे न्यूमेरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 2 है, यहां पे दिख रहा होगा 5 बड़ा है 2 से, मतलब न्यूमेरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। जब इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 2.5, और 2.5 क्या होता है, एक से बड़ा होता है। यानी कि ये हमेशा दिमाग में रखो कि कोई भी रिजल्ट एक से बड़ा तब आता है जब न्यूमेरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। अब उसका आंसर एक से छोटा कब आएगा, तो जब न्यूमेरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1/2, तो देखो न्यूमेरेटर 1 है डिनोमिनेटर 2 है, 1 छोटा होता है 2 से, यानी कि न्यूमेरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और 1/2 का मतलब आप लोगों को पता होगा इसका मतलब क्या होता है, 0.5। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि ये हमेशा याद रखना है। तो 0.5 क्या होता है, एक से छोटा होता है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम इसका यूज कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए मैं दो एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो देखो तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है कि 5/3 और -5/3 को हमारे को क्या करना है,
रैशनल नंबर, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, इनको एक हमारे को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करते हैं समझना। तो सबसे पहले तो एक हम नंबर लाइन बना लेते हैं जिसमें यहाँ कहीं जीरो होगा। अब यहाँ देखो क्या चीज़ है उसको समझो। सबसे पहले तो ये पता करो कि ये कहाँ किसके बीच में आएगा। ये जब तक पता नहीं कर पाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे एक तो 5/3 है, 5/3 एक्चुअल में एक से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ये चीज़ अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखी थी। तो इसका सेक्शन जैसे अभी मैं पहले रफली बता देता हूँ, फिर करते कैसे वो समझाऊंगा। और माइनस का 1/3 है, 5/3 है, ये क्या होगा? माइनस एक से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो ये भी क्या होगा, जैसे अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो इसका आंसर क्या आता? 1 से कुछ बड़ा आता, उसके आगे नेगेटिव लग गया, इसका मतलब वो उधर की तरफ कहीं पे आएगा। ये तो हो गया हमारा नंबर लाइन। लेकिन अब हम इस इधर और इधर तो इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करें उसको समझो। देखो तो यहां मैं एक काम कर लेता हूं, इसको समझने के लिए एक तरीका हम फॉलो कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना था, इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो देखो 15 है, इसको हम बना लेते हैं। हाँ एक काम कर लेते हैं हम लोग भाई, जैसे यहाँ कहीं 1 है और यहाँ कहीं 2 होगा, और ये नंबर एक्चुअल में कितना है, 1 टाइम डिवाइड किया इसको, बचा 2 और उसके नीचे कितना है, 3। यानी क्या है, 1 के आगे कितना और है, 2/3। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में 3 सेक्शंस कर देंगे। देखो ये डिनोमिनेटर है, अब मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, समझना ध्यान से। देखो इसको मैंने क्या किया, इम्प्रॉपर से किसमें, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिया। मिक्स्ड में क्या होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 1 टाइम डिवाइड होगा, बाकी रिमाइंडर कितना आया, 2, जो ऊपर आ जाएगा, और जो हमारा डिवाइजर था वो 3, ऐसे कैसे नीचे आ गया। तो 1 and 2/3 ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया अब नया, जिसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब देखो ये क्या है, एक तो 1 है ही, यानी 1 से तो बड़ा है, अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि 2 से ये छोटा होगा। आप पॉइंटों में भी निकाल के देख सकते हो, तो 5 में डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 1.666, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि ये क्या है, 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा। कहाँ होगा ये कैसे पता करें, तो देखो इसको ऐसे पता किया जाएगा, यहाँ कितना है 1, तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है, और ये 1 से आगे होगा, 2 से पहले होगा, तो डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में, मैं यहाँ हिंदी में मिक्स में लिख देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में 1 और 2 के बीच 3 पार्ट्स करो। हमने क्या कर दिया, 3 पार्ट्स कर दिए, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। इस 1 को हम क्या बोल सकते हैं, इसको 1 को हम बोल सकते हैं 3/3, इस 2 को हम बोल सकते हैं 6/3। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, यहां पे 3 क्यों लिखा मैंने, 2/2 की नहीं बोला, इसको 4/2 क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो भी 2 होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो हम डिनोमिनेटर के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। क्योंकि देखो 3/3 भी 1 होता है, 6/3 भी क्या होता है, 2 होता है। तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये देखो 3/3 यानी 1, इसको हम बोल सकते हैं 4/3, इसको हम बोल सकते हैं 5/3, और ये क्या होगा हमारा 6/3। यानी हमारे को जो रिप्रेजेंट करना था वो कितना था, 5/3, जो कहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये है हमारा 5/3। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमें सेगमेंट पता करना है कि कहाँ ये होगा। एक से बड़ा है तो 1 और 2 के, अगर 2 से भी बड़ा होता तो 2 और 3 के कहीं बीच में आएगा। उसके बाद में क्या करना है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये वाला पार्ट तो यहाँ तक हो गया खत्म। देखो 1 तो यहाँ हो गया, 1 में कितना और ऐड करना है हमारे को, 2+3, तो ये कितना है, देखो इसका सेगमेंट ये वाला पार्ट कितना हुआ, 1/3 का, 1/3 के 3 पार्ट किए हमने। फिर ये वाला दूसरा सेगमेंट कितना हो गया, ये भी 1/3 और 1/3 मिला के कितना हो गया, 2/3, तो 1+2/3 भाई, इसका मतलब है 1+2/3। तो ये क्या कर दिया हमने, यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो हमारा वो है नंबर है, वो रैशनल नंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ -1 होगा कहीं पे। अब ये वाला जो है -1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा और -2 से बड़ा होगा भाई, यानी कि ये कहाँ पड़ेगा, ये -5/3 कहीं ना कहीं
माइनस के टू और माइनस के एक के बीच में आ रहा होगा, लाई कर रहा होगा। तो अब सेम करेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस का 3/3 बोल सकते हैं, और इस वाले नंबर को क्या लिखा जा सकता है, माइनस 1 and 2/3। भाई माइनस ही तो एक्स्ट्रा है, बाकी तो सब ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये माइनस 1 से छोटा होगा इधर की तरफ, तो यहाँ होगा क्या होगा, माइनस का 4/3, यहाँ होगा माइनस का 5/3, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6/3, क्योंकि माइनस का 6/3 कितना होगा, माइनस का 2 होगा। तो ये जो है नंबर हमारा जहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसको सोचना, रिवाइंड करके देखना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अगर फिर भी नहीं आता है तो हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। अब है इन दोनों नंबर्स को भी हम रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को देखो साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब 4/5 को जब सोल्व करोगे इसका आंसर 1 से छोटा आएगा, और पॉजिटिव तो ये दिख ही रहा होगा, यानी कि इसका आंसर 0 से बड़ा भी आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में ही कुछ लाई करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, तो देखो, तो यहाँ कहीं 0 मान लिया, यहाँ कहीं 1 है। अब हमारे को डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसके 5 सेगमेंट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, 0 को हम 0/5 मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, 5/5 मान सकते हैं। 5/5 1 होता है, 0/5 0 होता है। ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ डिनोमिनेटर के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर डिनोमिनेटर कुछ 3 होता तो हम इसको क्या मानते हैं, 3/3 मान लेते हैं, इसको 0/3 मान लेते हैं। अब इसके कितने सेगमेंट करने हैं हमारे को, ठीक है, तो देखो 5 टुकड़े कर लो इसके, 1, 2, 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये कितना हो जाएगा, 5/5। इधर हमारा 0 है, ओरिजिन बोलते हैं जिसको, इधर माइनस इन्फिनिटी चलेगा, इधर प्लस का इन्फिनिटी चलेगा। तो हमारे को क्या रिप्रेजेंट करना था, 4/5, तो ये जो हमारा 4/5 है वो कहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा, इस वाले जगह पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो -3/4 है, तो यहाँ पे भी अगर नेगेटिव नहीं होता तो उसके हिसाब से सोचो, तो 3/4 क्या होता, 1 से छोटा होता, लेकिन नेगेटिव लग गया तब ये क्या होगा, इसका आंसर होगा -2 से तो बड़ा होगा, और -1 से, सॉरी एक मिनट भाई, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, भाई पॉइंटों में करके देख लेते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 3/4 को करके देखे तो 3 को डिवाइड करो, 0 नोट करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, फिर कितना 7 टाइम, और आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 0.7 समथिंग आ रहा है, तो ये किसके बीच में आएगा। तो इसी लाइन को मैं इधर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, तो देखो यहाँ कहीं क्या होगा, माइनस का 1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर की तरफ क्या करेंगे, 4 सेगमेंट बनाएंगे। कितने 4, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। तो कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4/4 लिख सकते हैं। 0 को क्या लिखा जा सकता है, 0 को मैं इस वाले केस के लिए क्या लिखूंगा, 0/4। फिर यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1/4, यह आएगा माइनस का 2/4, यह आएगा माइनस का 3/4, ये -4/4 माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमें जिसको रिप्रेजेंट करना था वो कितना था, माइनस का 3/4, तो ये आ गया -3/4, हमने यहाँ कहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। इसके ऊपर तुम्हारे को बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि सेगमेंट पता कर लो, कौन से हिस्से में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से 2 के बीच में होगा। अगर वो पता चल गया तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फिर क्या करना, डिनोमिनेटर के बराबर पार्ट्स करने, और जिस भी पार्ट पे हमारा नंबर आ रहा है उसको क्या कर देना है, यहाँ पे डॉट बना देना है, यही हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो कि रिप्रेजेंट 8/5 एंड -8/5 ऑन द नंबर लाइन, तो इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 8/5 का आंसर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अब 1 से बड़ा होगा क्या, 2 से भी बड़ा है, देखो 2 से छोटा आ रहा है, क्योंकि अगर ऊपर 8 की जगह पे 10 होता तो 5 2 10 हो जाता, 2 आता, लेकिन 8 है मतलब 2 से छोटा आएगा, यानी ये पता चल गया कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में कहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 and 3/5, देखो वापस कन्वर्ट करो, 5 1 जा 5, 5 और 3
एट, ये आप लोगों को करना आता होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसमें इसको प्लस करते हैं और उसको क्या लिख देंगे, 5 1 5 + 3 8/5, जो कि हमारा यही नंबर है, यानी 1 के आगे 3/5 है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं इधर की तरफ 0 लिख लेता हूँ, यहाँ 1 लिख लेता हूँ, यहाँ कहीं 2 है। अब उसके बाद में क्या बोला है कि 3/5 है, तो हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 5/5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10/5। तो यहाँ बीच में क्या आएगा, ठीक है सॉरी कुछ गलत तो कर नहीं कर रहे ना हम, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ तक तो 1 है ही। हाँ एक मिनट, हमने कुछ गलती कर दी है शायद, 5 सेक्शंस करेंगे। हाँ सही है सही है, देखो तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ, एक मिनट, हमारे को 8/5 को रिप्रेजेंट करना है ना भाई, 1 तो हो ही गया हमारा, ठीक है उसके बाद में हमारे को क्या रिप्रेजेंट करना है, 5/5। हाँ सही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 6/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कहीं 7/5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8/5, 9/5, 8/5, और यहाँ हो जाएगा 9/5, और यहाँ हो जाएगा 10/5। 10/5 का मतलब होगा 2 हो जाएगा, तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, 8/5, तो 8/5 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा। तो ये क्या कर दिया हमने, 8/5 को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर नेगेटिव को करना है तो नेगेटिव को किस साइड करेंगे, इधर, जो किसके बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में कहीं आएगा, तो -1 को क्या लिख सकते हैं, -5/5, फिर यहाँ कहीं होगा -6/5, फिर इधर होगा -7/5, इधर कहीं होगा -8/5, यहाँ कहीं होगा -9/5, और इसको हम बोल सकते हैं -10/5। तो हमें जिसे रिप्रेजेंट करना था वो था -8/5, जो कहाँ होगा, यहाँ होगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो इसे भी नोट कर लीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं आ रहा तो 2 बार देखिए, फिर भी नहीं आता तो हमें कमेंट करके बता देना। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या बोला है कि डेसिमल, इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उससे मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि क्वेश्चन बनाए जा सकते हो इन दोनों टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो क्या बोला है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी हमारे को कुछ रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में गिवन होंगे, उन रैशनल नंबर्स को हमें डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कौन सा मेथड से, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी मैं दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो बचपन से आप पढ़ते आए हो, जिसे हम डिवाइड करते हैं, उसी मेथड को फॉलो करना है और डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को मैं सोल्व करके आप लोगों को बताता हूँ, इससे हमारे को 2 टाइप के रिजल्ट निकल के आएंगे, उन दोनों टाइप के रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे फिर देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, ये कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है, जैसे 4 यहाँ लिखे हैं, 3 यहाँ लिखे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इन तीनों चारों एग्जांपल्स को जब करोगे, इन तीनों को और इन चारों को, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ध्यान रखना उसने बोला है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करना है, तो उसी को यूज करके हमें डेसिमल्स का आंसर निकालना है। तो सिंपल क्या बोला, 7/8, तो 7/8 को क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 7 के अंदर डिवाइड करना है, कितने से, 8 से डिवाइड, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। 7 तो छोटा है 8 से, तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम 0 नोट करेंगे, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। अब 8 की टेबल बोलो तो कितना होगा, 8 8 जा 64, माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब एक बार अगर हमने 0 नोट कर लिया, मतलब डेसिमल लगा लिया, उसके बाद में 1 0 कभी भी लगा सकते हैं, तो 0 नोट किया, फिर 7 टाइम कितना हुआ, 56, फिर माइनस किया 4, फिर 1 0 अपने मन से कभी भी लगा लो, तो फिर कितना होगा, 8 5 जा 40, तो माइनस करने पे कितना आया, 0। अब यहाँ देखो, ये हो गया हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 7/8 को क्या कर सकते हैं, 0.875 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो, पहले मैं एक काम करता हूँ, इस 4th को बता देता हूँ,
तो यहाँ करके बता रहा हूँ मैं। तो देखो ये तो और भी आसान है, नीचे कितना है 100 है, तो डायरेक्ट किया जा सकता है, 20 है तो 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा दो डेसिमल, तो 0.042 ये क्या हो गया डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हम फिर अब इसको करके देखते हैं, तो देखो तो नेगेटिव क्या करेंगे हम लोग लास्ट में लगा देंगे, हम ओनली 17/8 को क्या कर लेते हैं करके देख लेते हैं, तो लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे क्या लगा देंगे नेगेटिव लगा देंगे। तो देखो 2 टाइम होगा 16 माइनस किया 1, अब 1 में तो होता नहीं और आगे कोई डिजिट भी नहीं है जिसको हम नीचे नोट कर लें, तो अब 0 लगाएंगे तो क्या लगेगा डेसिमल लगेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा 1 टाइम होगा, 1 टाइम होगा कितना 8 माइनस 2 किया 0, फिर 2 टाइम होगा कितना 16 माइनस 4 फिर से 0, फिर 5 टाइम होगा कितना 40 फिर माइनस करेंगे 0, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है हमारे को स्टॉप कर दें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं ये, तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा इसका -2.125। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको भी हम सोल्व करके देखते हैं। तो देखो 2157 है, इसको हमारे को 625 से डिवाइड करना है, तो देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट के तरीके से चला करो, जैसे अगर मैं 6 को 4 टाइम करूँ, ये 6 नहीं है 600 एक्चुअल में क्योंकि 100 प्लेस पे रखा हुआ है, तो 600 को 4 टाइम करूंगा तो 2400 होगा, यानी कि 2400 हो जाएगा जो कि इस 2100 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि 3 बार ही होगा और 2 बार में इससे बहुत कम होगा, ठीक है। तो 3 बार में कितना होगा, इसको 3 बार करेंगे तो 1800 हो गया, 25 को 3 बार करेंगे तो 1875 माइनस करेंगे, यहाँ 2 आएगा इसमें से, यहाँ एक बोरो करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 को 7 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 15 में से 7 डिवाइड किया 8 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 20 हो गया अभी, ठीक है 20 में से 2 गया तो 2, अब यहाँ पे 0 बचा, अब क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे क्योंकि ये छोटा नंबर हो गया इससे, तो 0 नोट किया तो डेसिमल लग गया। अब इसके अंदर कितने बार 4 टाइम डिवाइड हो सकता है, कितना होगा आप करके देखना 4 टाइम कितना होगा 2500, क्यों, क्योंकि 6 4 जा कितना होगा 2400, 600 फोर जा और 25 4 जा कितना होता है 100, तो 2400 और 100 कितना हो जाएगा 2500, आप अपने हिसाब से धीरे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 320 आ गया, फिर 0 नोट करेंगे, अब क्या होगा एक बार और करके देख लेते हैं, तो भाई 5 टाइम में इतना आया था, 6 टाइम में कितना आना चाहिए 5213 यानी कि 3125 जो कि अभी भी इससे छोटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो कितने टाइम में आएगा 5 टाइम में कितना आया, मैं इसको इसके रिजल्ट को थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ 3.45, 5 टाइम में हमारे को मिला 3125, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ कितना बचा 0 0, फिर यहाँ क्या होगा फिर 0 नोट करेंगे कितने टाइम 1 टाइम होगा 625, अब माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ 4 में से गया तो 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, अब क्या करें, तो देखो यहाँ क्या नोट करेंगे 0 तो भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ एक और 0 नोट करना पड़ेगा, तो जब 2 डिजिट एक साथ नोट करते हो तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा। अब देखो अभी हमने किया था 4 टाइम में क्या हो जाएगा 2500 माइनस किया 0 आया, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है मैं इसको इधर कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो, देखो तो यहाँ कितना आया था सब्ट्रैक्ट करने पे 75 आया था, सॉरी 75 नहीं था, एक मिनट कुछ गलत कर दिया है हमने शायद, एक मिनट देखते हैं कुछ गलत हो गया था, देखो यहाँ इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ 1 टाइम में 625 आया, उसके बाद में क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ 125 आया, 125 के आगे 0 नोट करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, वो जो हमने देखा था अभी वो गलती से इसको सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमारा गलत हो गया था, तो यहाँ कितना आया इतना, अब इसको आप करके देखना 625 को 2 टाइम करके देखेंगे तो कितना आएगा 1250 आएगा, माइनस करेंगे 0, यानी ये जो हमारा रिजल्ट आया ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया 3 टाइम डिवाइड किया तो इतना आया, फिर जो हमारा रिमाइंडर आया था बचा था वो 282 था जो इससे छोटा हो गया था, फिर 0 नोट किया तो हमने डेसिमल लगाया, फिर क्या होगा 2500 आएगा 4 टाइम में, फिर नोट कर लिया, फिर सब्ट्रैक्ट किया 320 आया, उसमें डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 नोट करेंगे, फिर 5 टाइम कितना होगा 3125 होगा, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 75 इससे फिर छोटा हो गया,
फिर जीरो नोट करेंगे, फिर कितना होगा 750 हो गया, 750 में क्या होगा वन टाइम होगा 625, उसके बाद में क्या होगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 125, फिर 125 फिर से इससे छोटा हो गया तो जीरो नोट करेंगे, फिर इसको मैंने यहाँ कर दिया तो अब कितना हो गया 1250 में टू टाइम्स जाएगा, उसको हमने यहाँ नोट कर लिया तो फाइनल रिजल्ट कितना हो गया 3.4512। तो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल चारों एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ इन सभी एग्जाम्पल्स को आप जब नोटिस करोगे तो यहाँ देखोगे डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद में हमारा जो रिजल्ट है वो टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो जाता है, रुक जाता है। अब इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करके देखते हैं, देखो इनमें भी क्या ऐसा ही होता है, फिर आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हम एक्चुअल में रियल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वन को डिवाइड करेंगे सेवन से, तो सेवन में तो होता नहीं, जीरो नोट करेंगे, जीरो नोट करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे स्टार्टिंग में, डेसिमल लग जाएगा, फिर सेवन वन जस्ट सेवन, माइनस किया थ्री, जीरो नोट करेंगे, अब थर्टी हो गया तो सेवन फोर जा 28, माइनस करेंगे टू बचा, फिर क्या करेंगे जीरो नोट करेंगे, सेवन टू जा 14, माइनस किया सिक्स, फिर जीरो नोट करेंगे, सेवन एट जा 56, फिर माइनस करेंगे 4, फिर जीरो नोट करेंगे, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 5, फिर जीरो नोट करेंगे, उसके बाद में होगा 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 1। अब देखो वापस से स्टार्टिंग बन गया, फिर जीरो नोट करोगे, फिर 7 आएगा, माइनस आएगा, फिर कितना आएगा 3 आएगा, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ तक जो हमने किया है अब आगे क्या होगा ये वाला पार्ट ही बार बार रिपीट होगा, और जिसमें रिपीट होता है इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं, मतलब ये आगे रिजल्ट क्या होगा वापस से क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, 1 2 4 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, और ये चलता ही रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है और रुक भी नहीं रहा। आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। यहाँ कितना है 22/7, तो 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, माइनस किया कितना आया 1 आया। अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, देखो 1 बचा, उसके बाद में तो यही प्रोसीजर बन गया ना पूरा का पूरा। अब 1 को डिवाइड करना है, 1 में नहीं होता, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाने के लिए डेसिमल लगाया, उसके बाद में अगला पार्ट तो क्या होने वाला है पूरा वापस, देखो इस वाले पार्ट को ही तो डिवाइड करना है हमें, तो यही तो हमने अभी यहाँ किया है, तो हम इस जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं, तो कितना आएगा डेसिमल के बाद में 1 4 2 8 5 7 का बार। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप वापस से करोगे तो ऐसा का ऐसा पूरा पार्ट यहाँ नीचे आएगा डेसिमल के बाद में, ठीक है, और उसके बाद में ये रिपीट होने लग जाएगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि भाई इसको कैसे करें, तो माइनस वाले को हम बाद में लिख लेंगे, 22 को 13 से डिवाइड करना है, तो 13 1 जा 13, टू टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 9, जीरो नोट करेंगे तो डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, अब कितना होगा 13 5 जा 65, और 7 जा 78 7 जा 91 ज़्यादा हो जाता है, तो 6 जा 78, माइनस करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, फिर जीरो नोट करेंगे, फिर देखा होगा 9 टाइम में कितना आता है 117, फिर माइनस करेंगे 3 आएगा, जीरो नोट करेंगे, 2 टाइम होगा कितना 26, माइनस करेंगे 4 आएगा, अब मैं इसको आगे कर रहा हूँ, जीरो नोट करेंगे, फिर कितना आएगा 3 टाइम 39, माइनस, अब इसके लिए आप लोगों को टेबल आनी चाहिए तभी जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर जीरो नोट करेंगे, अब जीरो में तो हो नहीं रहा, तब क्या करें एक बार देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि गलत हो गया तो फिर पूरा वापस से करना पड़ेगा। भाई 1 टाइम हुआ कितना 13, माइनस किया 9 आया, फिर जीरो नोट किया, फिर 13 6 जा 78 होता है, फिर यहाँ लिख दिया डेसिमल लगाने के बाद में, फिर 12 माइनस करने पे 12 आया, जीरो नोट करेंगे, फिर 120 हो गया, फिर ये 9 टाइम में कितना होता है 117 होता है, फिर जीरो 3 रिमाइंडर आएगा, फिर जीरो नोट करेंगे, 2 टाइम में 26 हो गया, 4 हुआ, फिर क्या करेंगे 3 टाइम में 39 हो गया, फिर 1 बचा, अब 1 के आगे जीरो नोट किया तो भी नहीं हो रहा, फिर क्या करें एक और जीरो नोट करेंगे, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा जीरो लगाना पड़ेगा, उसके बाद में क्या होगा देखो 13 9 जा कितना होगा, हाँ 13 9 जा 90, 13 7 जा 91,
फिर कितना आ गया, जीरो, वो नाइन आ गया रिमाइंडर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ कितना हुआ, एक जीरो नोट करने पे टेन बन रहा था, टेन अभी भी क्या था, थर्टीन से छोटा था। तो हम क्या करें, तो हम जीरो को क्या एक और जीरो नोट करेंगे, तो तब दो दो डिजिट एक साथ नोट करते हैं, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा। फिर 91 हुआ, फिर कितना बचा, रिमाइंडर नाइन। अब देखो ये वाला पोर्शन वापस से क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कौन सा वाला पार्ट रिपीट होगा, मतलब कि एक बार करने के बाद में ये जैसे यहाँ कितने टाइम आया था, सेवन टाइम में 91, तो ये वाला पोर्शन फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। तो हमारा जो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1.692307। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि, तो देखो 9 के अंदर फिर से क्या होगा, जीरो नोट करोगे 78, फिर सिक्स टाइम होगा, फिर वापस रिमाइंडर आएगा, जो भी आएगा उसके हिसाब से वापस से ये सारे डिजिट्स रिपीट होने लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इन दोनों केसेस को समझने के बाद में हमें दो चीज़ें समझ में आती है, इन चारों एग्जाम्पल्स का जो डेसिमल था वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, और यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो मतलब इनको हम बोल सकते हैं कि ये कैसे थे, टर्मिनेटिंग वाले थे, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन टर्मिनेट नहीं होने के साथ एक चीज और हो रही है, यहाँ पे रिपीटेशन होने लग जाता है, बट रिपीटिंग डेसिमल। आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो यहीं पे मैंने लिखा है कि पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन तो मैं पता होनी चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके दो तरीके के डेसिमल्स आ सकते हैं रिजल्ट अगर हम सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो एक तो हो सकता है कि जो डेसिमल हो वो कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद में जाके क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद भी टर्मिनेट नहीं हो। जैसे अभी मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, जैसे हम बोले 7/8 है, तो 7/8 एक्चुअल में कितना आ रहा था, 0.875, तो ये क्या हो गया था, टर्मिनेट हो गया था। इसका भी एक एग्जांपल देख ले हम लोग, तो यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि अपन 1/7 को लिख लेते हैं, तो 1/7 का क्या आएगा, 0.142857 बार। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये दोनों ही टाइप के डेसिमल्स हम पहले भी एक बार नोट देख चुके हैं, हमेशा क्या किए जा सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इनको कैसे करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको कैसे करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर पूरा उसी के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा इन्हीं के ऊपर हम कुछ नोट और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम हमारा कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो वो क्या है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या कर सकते हो, इस नोट, ये अगर नोट अगर आप याद रख सकते हो, तो इसकी मदद से हम बिना लॉन्ग डिवीजन करे ही ये बता सकते हैं, रिजल्ट नहीं बता सकते लेकिन ये बता सकते हैं कि ये जो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग वाला होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला होगा। तो कैसे करेंगे उसको समझने से पहले देखो हम इसको करते हैं। तो यहाँ इन दोनों को सोल्व करके देखते हैं, इन दोनों के बेसिस पे मैंने ये नोट बनाए हैं, फिर इनको समझाता हूँ। तो देखो ये है इसका डिनोमिनेटर यानी कि क्यू, पी बाई क्यू अगर मान के चले इसको, तो इसके हम फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। इसको हमने लिख दिया 2 पावर 2 और 5 पावर 2, ठीक। अब यहाँ तो डायरेक्टली पावर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे देखो यहाँ नोट बनाया है, नोट क्या है कि इफ़ पी बाई क्यू, जहाँ पे ये कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इज अ रेशनल नंबर देन, तो क्या होगा, इफ क्यू यानी डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n, यानी अगर हमारा डिनोमिनेटर कुछ ऐसा आता है, 2 की कुछ पावर हो, 5 की कुछ पावर हो, या ओनली केवल 2 की केवल पावर हो, या ओनली केवल 5 की पावर हो, तो ऐसा यहाँ पे ध्यान रखना, m और n क्या है, हमारे लिए एक होल नंबर मान सकते हो, ठीक है। तो तब बोलेंगे कि इस टाइप का डेसिमल क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा, और यहाँ आप लोगों को दिख भी रहा होगा इसका रिजल्ट क्या होगा, 0.42, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, 2 डेसिमल, तो ये कैसा हो गया, देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब भी क्या करना है, हमें चेक करना है, कि अभी हमें एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसके ऊपर,
कि कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगर वो 2 पावर m × 5 पावर n टाइप का कुछ बन जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वैसा वो डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अदरवाइज अगर उसके अलावा कुछ और बनता है, जैसे ये 2 और 5 तो आ ही गया, साथ में कुछ 3 आ जाए, या फिर 2 आ जाए 3 आ जाए, या फिर 2, 3, 5, 7 सारे आ जाए, मतलब कि ओनली 2, 5 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। इसको भी अब जब आगे करके देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ये बहुत लेंथी होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे का रिजल्ट ही बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैंने इसलिए शॉर्ट में समझा दिया कि अगर 2 पावर m × 5 पावर n टाइप का कोई बने तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज इसके अलावा कुछ और बन रहा है तो हम बोल देंगे कि वो क्या होगा, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्या बोला है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमारे को लंबा डिवीजन वाली जो मेथड थी वो नहीं करनी है, फॉलो नहीं करनी है। स्टेट हमें बताना है कि वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, exp यानी एक्सपेंशन। तो हमें इसने बोला कि भाई इन तीनों केसेस में हमें बताना है बिना डिवाइड करे, इसको इससे डिवाइड नहीं करना, कि ये कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को पिक करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टर्स करना है। तो देखो 5, 5, 5, 5 इसके फैक्टर्स होंगे ये, और एक और आएगा, आप खुद करके देख लेना, 5, 5 = 25, 125, 625 और 3, 125, तो 5 की पावर 5। तो मैंने बताया कि ओनली 2 पावर n टाइप का भी बन जाए, तो यहाँ मान सकते हैं ना भाई 5 पावर n टाइप का बन जाए या 2 पावर m टाइप का, तो हम 2 की पावर 0 मान लेते हैं। तो देखो ये किस टाइप का बन गया, 2 पावर m × 5 पावर n, ये तो पता ही होगा किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, इसका मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कैसे होता है हम आगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाली चीज़ें भी पढ़ेंगे तब हम समझ लेंगे। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ये टी यानी टर्मिनेटिंग, ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम इसकी बात करें तो वही इसके डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे हम, तो देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, आई थिंक ये देखो 3 से तो नहीं हो रहा, 5 से होगा, 5, 9 = 45 और फिर 5, 1 = 5, फिर कितना होगा, 7 से होगा 13, फिर कितना आएगा 30। तो यहाँ देखो नीचे डिनोमिनेटर क्या बन रहा है इसका, 5 × 7 × 13, जो कि ऐसा नहीं है, तो हम बोलेंगे ये कैसा होगा, n t / r मतलब रिपीटिंग, लेकिन रिपीटिंग होगा, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ 1600 के करके देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 800 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 400 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर उसके बाद में तो यही पार्ट बन जाएगा वापस से, कितना होगा 2 × 2 × 5 × 5, ये वाला पोर्शन, ठीक है, 100 वाला, तो अब कितना हो गया 2 पावर 6 × 5 पावर 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, इसको सब मतलब ये भी किस फॉर्म में बन गया, 2 पावर 6 है, ध्यान रखना 2 पावर m × 5 पावर n टाइप में बन गया, तो हम बोलेंगे ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी क्या होगा, t यानी टर्मिनेटिंग होगा। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। ये 2 एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी हम सोल्व करके देखते हैं, जिससे हमारा आज का लेक्चर फिर खत्म हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि वाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन, ये कुछ एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, इसका हमारे को क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है कि भाई किस टाइप का होगा, ये 4 ऑप्शन में से कोई होगा, तो हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर आगे पूरा है, पहले तो इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, कि सिंपल से सिंपल बनाना। तो देखो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, 5 − 4 / 5 − 2 / 4, 5 − 1 = 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया 1 टाइम डिवाइड हो गया, ये 2 टाइम डिवाइड हो गया, यानी अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 5 − 4 और यहाँ 5 − 1/2, जब एलसीएम लेंगे नीचे तो कितना आएगा 5 − 4 / 2 एलसीएम आ रहा है इसका, इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 5 − 4 / 9/2,
टू। अब 9/2 में क्या होगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और जब इसको ऐसा लिखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई बना के 2/9 भी लिख सकते हैं। जब इसको 2/9 लिखा है तो ऊपर तो कितना हो गया, देखो 5 - 8/9, और नीचे कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9, फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, 9 टाइम हो जाएगा। 9 × 5 = 45 माइनस 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 8, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, आई थिंक इसका आएगा 5 माइनस करेंगे 37 डिवाइड बाय 9। अब इसको हमें फाइनल क्या करना है, आगे सोल्व करना है, तो 37 डिवाइड बाय 9 करके देखो, 9 × 4 = 36 माइनस किया कितना आया, 1 आया, 0 नोट करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, फिर 9 × 1 = 9, फिर 1 नोट करेंगे, तो यानी 1 अब आगे तक चलता रहेगा, यानी फाइनल रिजल्ट कितना आया 4.1 बार, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने सबसे पहले इसको सोल्व किया, ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद इसको सिंपल P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको अब हमने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो भी नंबर रिपीट हो रहा था उसको बार बार लिखते गए, और जो फाइनल रिजल्ट आया वो हमारा आ गया 4.1 बार। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये एक अच्छा एग्जांपल है जिसके अंदर हम मैट्रिक्स मैच टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक है एक्चुअली, और उसके बाद में इसका कुछ आंसर दिया हुआ है, इनमें से हमें टिक करना है कि कौन सा वाला रिजल्ट सही होगा। तो सबसे पहले समझो, देखो यहाँ मैं 2-3 टर्म्स है वो मैंने लिखे हैं, यहाँ पे W मतलब होल नंबर है और N मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है, या ध्यान रखो। तो क्या बोला, ऑल P, यानी कि P की जगह पे क्या आएगा, Q की जगह पे, R की जगह पे क्या आएगा, S की जगह पे, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने लिखे हैं, ठीक है, या जो ब्लैंक्स वाली जगह है ना, इन जगह पे हमारे को क्या लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ R, तो एक R है और एक S है। तो देखो सबसे पहले बोला कि ऑल P नंबर्स आर क्यू नंबर्स। अब देखो केवल हमें डब्ल्यू और होल के, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में सोचना है, तो क्या होता है, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या, नहीं। हमने पढ़ा था एक नोट ये, तो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल एन नंबर्स आर डब्ल्यू नंबर्स, डब्ल्यू यानी होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ तो पी की जगह पे तो क्या आने वाला है, एन आने वाला है, और Q की जगह पे W आने वाला है। तो अब पहले तो ऑप्शंस को देखो, या तो ये होगा या ये होगा, यानी ये दो ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गए सीधे सीधे, क्योंकि देखो P में तो N आना है, N यहाँ आ रहा है, और Q में W यहाँ आ रहा है, तो देखो रिजेक्शन, ये भी एक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड है, कि तुम क्या कर सकते हो, उन ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दो जो हो ही नहीं सकते। तो उसमें क्या होगा, अगर अब यहाँ पे तुक्का भी लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि 50-50 चांसेस है कि सही होने के, अगर चार में से कोई तुक्का लगाते तो क्या होता है, ओनली 25% ही चांसेस होते कि हमारा आंसर सही हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगाना है तुक्का, जब हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो हमें सोच समझ के रिजल्ट लिखना है। इसके बाद में देखो एक चीज और बोली है उसने, क्या बोला है, देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आर। अभी हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा था कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के डिनोमिनेटर क्यू को हम क्या कर सकते हैं, 2m या 5n के टाइप में लिख सकते हैं। तो देखो ऐसा कहीं पे है क्या, एक तो मुझे यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। अब मैंने बताया ये तो क्या हो चुका, रिजेक्ट हो चुका है, तो ये तो होगा नहीं, कौन सा हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, वैसे तो यही आंसर मिल गया हमारे को, लेकिन एक तीसरा क्वेश्चन और है उसके लिए भी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो 333 डिनोमिनेटर में आ रहा है, हमें बताना है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है इन नेचर में कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 333 के फैक्टर्स कर लेते हैं, देखो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 111, फिर से डिवाइड हो रहा है 3 से, फिर आता है 37, अब आगे डिवाइड नहीं होगा, क्या ये 2m और 5n टाइप का बना, नहीं बन रहा, तो हम बोलेंगे कि ये किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, डी होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर्स को क्या करेंगे, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने P/Q वाले जो नंबर्स थे उनको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ तब तक के लिए थैंक यू।